Hello students, let's start national income and related aggregates. Before we move on to the practical part, let's understand theory of this chapter. Theory of this chapter is very important, so please make notes. First of all, let's understand end use classification of goods. Goods ka classification uske end use ke hisab se. Do types ke good hote hain, ek intermediate aur dusra final good. Final good bhi further do part mein classify hota hai, consumer good aur capital good. एक एक करके ये चारों समझते हैं. फर्स्ट इंटरमीडिएट गुड. दीज आर द गुड्स दैट आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग और रीसेल इन द सेम ईयर. मतलब क्या हुआ, ऐसे गुड्स जो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए परचेस हुए. फॉर एग्जांपल, अगर स्वीट्स बनानी हो उसके लिए अगर अपन शुगर परचेस कर रहे हैं तो वो इंटरमीडिएट गुड है. इंटरमीडिएट मतलब क्या होता है, बीच का. तो जो पूरी प्रोसेस के बीच में जो गुड्स यूज हो रहे हैं वो सब इंटरमीडिएट गुड्स है. रीसेल इन द सेम ईयर भी इंटरमीडिएट गुड है. फॉर एग्जाम्पल, इफ कार परचेस बाय द कार डीलर फॉर रीसेल, अगर कोई कार डीलर कार परचेस कर रहा है रीसेल के लिए तो वो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड है, और अगर रीसेल का पर्पस नहीं हो तो वो उसके लिए फाइनल गुड हो जाएगा. इन अदर वर्ड्स, इंटरमीडिएट गुड्स आर वन विच रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेसिंग एंड आर नॉट अवेलेबल इन द इकोनॉमी फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन. अदर वर्ड्स में इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं, ऐसे गुड्स जिनको फर्दर प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड है, उन पे और आगे काम करना पड़ेगा, वो डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ प्रोसेस करना बाकी है और प्रोसेस करने के बाद वो कंजम्पशन के लिए अवेलेबल होंगे. दिस गुड्स गिव इनडायरेक्ट सेटिस्फेक्शन टू द कस्टमर. ये गुड्स कंज्यूमर की नीड्स और वांट्स को डायरेक्ट सेटिस्फाई नहीं करते, इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अपन को स्वीट चाहिए और अगर कोई शुगर ला के दे दे तो डायरेक्ट नीड सेटिस्फाई नहीं होगी, लेकिन शुगर से ही स्वीट्स बनेगी, इसलिए वो इनडायरेक्टली अपना नीड्स को सेटिस्फाई कर रही है. अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन बाउंड्री, प्रोडक्शन बाउंड्री क्या होता है ये समझते हैं पहले. प्रोडक्शन बाउंड्री एक इमेजिनरी लाइन है प्रोडक्शन सेक्टर के आसपास, मतलब प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर जितना भी काम हो रहा है वो सब प्रोडक्शन से रिलेटेड होगा, ठीक है. अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन बाउंड्री, इफ अ गुड डज नॉट क्रॉस द इमेजिनरी लाइन अराउंड द प्रोडक्शन यूनिट एंड रीचेस द अदर फॉर्म विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री इज नोन एज इंटरमीडिएट गुड्स. मतलब ऐसा गुड जो प्रोडक्शन बाउंड्री की इमेजिनरी लाइन को क्रॉस नहीं कर रहा है लेकिन दूसरी फर्म के पास जा रहा है विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है. सपोज ये एक प्रोडक्शन बाउंड्री है, अगर वो गुड प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही है, इस प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर नहीं जा रहा है, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है. जैसे ही इस प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर चले जाएगा तो वो फाइनल गुड हो जाएगा. अब फाइनल गुड समझते हैं. दीज आर द गुड्स दैट आर यूज्ड फॉर पर्सनल कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन. ऐसे गुड्स जो पर्सनल कंजम्पशन के लिए हो, फॉर एग्जाम्पल लाइक ब्रेड परचेज फॉर कंज्यूमर हाउस होल्ड, मतलब अपन को ब्रेड खानी थी तो अपन ब्रेड लाए, तो वो अपना पर्सनल कंजम्पशन है, अपन को उसको आगे फर्दर प्रोसेस नहीं करना है, इसलिए वो फाइनल गुड्स है. या तो वो पर्सनल कंजम्पशन के लिए होगा या फिर इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन के लिए होगा. मतलब अगर कोई फिक्स एसेट परचेस कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग परचेस की या मशीनरी परचेस की किसी फर्म ने, तो वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए की होगी या फिर कैपिटल फॉर्मेशन पर्पस के लिए की होगी, तो वो एक फाइनल गुड है, उसमें आगे प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो फाइनल गुड है. इन अदर वर्ड्स, फाइनल गुड्स आर दोज विच रिक्वायर्ड नो फर्दर प्रोसेसिंग एंड आर अवेलेबल इन अ इकोनॉमी फॉर कंजम्पशन पर्पस और इन्वेस्टमेंट. ऐसे गुड्स जिसमें आगे फर्दर प्रोसेस की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट यूज के लिए, कंजम्पशन के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल होते हैं इकोनॉमी में. दिस गिव डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन टू ए कस्टमर. ये डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ब्रेड अपन ने खाने के लिए परचेस की थी तो वो अपन को डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन दे रही है, उसमें अपन को आगे फर्दर प्रोसेस करने की जरूरत नहीं थी. अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन बाउंड्री, इफ ए गुड क्रॉसेस द इमेजिनरी लाइन अराउंड द प्रोडक्शन यूनिट एंड रीचेस टू द फाइनल कंज्यूमर और इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ प्रोड्यूसर विद इन द इमेजिनरी लाइन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट इज नोन एज फाइनल गुड्स. मतलब प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस करने वाला गुड्स क्रॉसेस द इमेजिनरी लाइन अराउंड द प्रोडक्शन यूनिट, और वो फाइनल कंज्यूमर्स के लिए, कंज्यूमर्स के पास पहुंच रही है कंज्यूम करने के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है. तो ऐसे गुड्स जो प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर रहे हैं और वो कंज्यूमर के पास पहुंच रहे हैं, वो फाइनल गुड्स है. क्लियर है. नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल गुड्स. फाइनल गुड्स भी दो टाइप के थे, एक तो कंजम्पशन गुड और एक कैपिटल गुड. तो पहले कंजम्पशन गुड देखते हैं. कंजम्पशन गुड्स आर दोस विच सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर्स डायरेक्टली. ऐसे गुड्स जो कंज्यूमर्स के वांट्स को डायरेक्ट सेटिस्फाई कर रहे हैं.
फॉर एग्जाम्पल कार हो गया, टेलीविजन सेट्स हो गया, ब्रेड हो गया, फर्नीचर हो गया एक्सेट्रा। कैटेगरीज क्या क्या है कंजम्पशन गुड्स की? ड्यूरेबल गुड्स, दिस आर गुड्स विच हैव एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम ऑफ सेवरल ईयर्स और रिलेटिवली हाई वैल्यू। देयर आर मोटर कार्स, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन सेट्स एक्सेट्रा। ऐसे गुड्स जो बहुत टाइम तक चले, सेवरल ईयर्स तक चले, वो ड्यूरेबल गुड्स है। सेमी ड्यूरेबल गुड्स, दिस गुड्स हैव एन एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम ऑफ यूज ऑफ 1 ईयर और स्लाइटली मोर। मतलब ऐसे गुड्स जो लगभग 1 साल चल जाए या उससे थोड़ा सा ज़्यादा चल जाए, फॉर एग्जाम्पल क्लोथिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, ये सब 1 साल से थोड़ा बहुत ज़्यादा भी चल सकते हैं, तो वो सेमी ड्यूरेबल गुड्स हैं। और नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन से? गुड्स विच कैन नॉट बी यूज अगेन एंड अगेन, दैट इज दे लॉस देयर आइडेंटिटी इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन। ऐसे गुड्स जो कि बार बार यूज नहीं कर सकते अपन, वो एक बार यूज होने के बाद खत्म हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फूड ग्रेन्स, मिल्क, वेजिटेबल, मिल्क एक बार पी लिया तो उसके बाद वो खत्म हो जाता है, तो वो नॉन ड्यूरेबल गुड्स है। और लास्ट है सर्विस। सर्विस आर नॉन मटेरियल गुड्स विच सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली, दिस कैन नॉट बी सीन और टच्ड, दे आर इंटेंजिबल इन नेचर। दे आर मेडिकल केयर, एजुकेशन, डोमेस्टिक सर्विसेज रेंडर्ड बाय हायर सर्वेंट्स एक्सेट्रा। जो डोमेस्टिक सर्वेंट्स होते हैं वो सब अपन को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो अपन को कोई गुड प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, वो अपने लिए काम कर रहे हैं, अपन उनको पैसे दे रहे तो वो अपने लिए सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और सर्विसेज जो होती है वो इंटेंजिबल इन नेचर होती है, उनको टच नहीं कर सकते। दूसरा था कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स आर डिफाइंड एज ऑल गुड्स प्रोड्यूस फॉर यूज इन फ्यूचर प्रोडक्टिव प्रोसेसेस। मतलब ऐसे गुड्स जो अपन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की तरह खरीद रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑल द गुड्स लाइक कार्स, ट्रक्स, रेफ्रिजरेटर, बिल्डिंग्स, ये सब अपन इन्वेस्टमेंट की तरह खरीदते हैं, ये सब आगे प्रोसेस करने में काम आते हैं, तो वो कैपिटल गुड्स है। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड एंड फिनिश गुड लाइंग विद द प्रोड्यूसर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर आर ऑल्सो पार्ट ऑफ गुड कैपिटल गुड्स। ये सब भी वही गुड्स है जो अगले साल अपने प्रोसेस करने में काम आएंगे, इसलिए ये सब भी कैपिटल गुड्स है। सम मोर एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल गुड्स आर मशीनरी, इक्विपमेंट, रोड्स, ब्रिजेस एक्सेट्रा। दिस गुड्स रिक्वायर रिपेयर और रिप्लेसमेंट ओवर टाइम एज देयर वैल्यू डेप्रिशिएट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये सब जो भी कैपिटल गुड्स होते हैं उनको थोड़े टाइम बाद रिपेयर या रिप्लेस करना पड़ता है, क्योंकि उनकी वैल्यू पूरी डेप्रिशिएट हो जाती है। क्लियर हो गया कैपिटल गुड्स? अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं इकोनॉमिक टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब प्रैक्टिकल में भी काम आएगा। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस, इकोनॉमिक टेरिटरी इज अ ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नमेंट विद इन विच पर्संस, गुड्स और कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होता है? ऐसा ज्योग्राफिकल टेरिटरी जो कि गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर करती है, मतलब गवर्नमेंट चलाती है, विद इन विच पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेट करती है मतलब उसकी पूरी पावर्स गवर्नमेंट के पास होती है, वो पूरा गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। तो ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया जो कि गवर्नमेंट के फुल कंट्रोल में हो वो इकोनॉमिक टेरिटरी है। दोस पार्ट्स ऑफ पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ ए कंट्री वेयर द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री डू नॉट एंजॉय द अबव फ्रीडम आर नॉट टू बी पार्ट इंक्लूडेड इन द इकोनॉमिक टेरिटरी। मतलब क्या है? ऐसे पॉलिटिकल फ्रंटियर्स मतलब ऐसी जगह, ऐसी बाउंड्रीज जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, वो सब इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा। एग्जाम्पल क्या है? एम्बेसीज। फॉर एग्जाम्पल द US एम्बेसी इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ USA। सिमिलरली द इंडियन एम्बेसी इन वॉशिंगटन इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब जो US की एम्बेसी इंडिया में है वो USA का पार्ट है। एम्बेसी हमेशा जिस कंट्री की होती है उस कंट्री का पार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल वाशिंगटन में जो इंडियन एम्बेसी है, वॉशिंगटन USA का पार्ट है, तो वॉशिंगटन में जो इंडियन एम्बेसी है वो इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी में आता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूनो, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा लोकेटेड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री। अगर इंडिया में अगर कोई WHO की बिल्डिंग वगैरह कुछ है तो वो सब इंडिया के उस पार्ट में नहीं आएगा, क्योंकि वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इकोनॉमिक टेरिटरी समझ में आ गया? अब एक बार डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या आता है वो देख लेते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर एंड एयर स्पेस। मतलब जो इंडिया का टेरिटोरियल वाटर है या इंडिया का एयर स्पेस है वो सब डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। अगर कोई कंट्री शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन करती है और ऑपरेट करती है, फॉर एग्जाम्पल इंडियन शिप मूविंग बिटवीन चाइना एंड इंडिया रेगुलरली आर पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया।
अगर कोई इंडियन शिप है जो कि चाइना से इंडिया बार बार आना जाना करती रहती है रेगुलरली, तो वो इंडिया का ही पार्ट होगी क्योंकि इंडियन शिप है। फिशिंग वेसल, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इन इंटरनेशनल वाटर्स वेयर दे हैव एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ ऑपरेशन। मतलब फिशिंग वेसल्स हो गए, ऑयल, नेचुरल गैसेस, ये सब के जो भी प्लेटफॉर्म्स है जो कि इंटरनेशनल वाटर्स में है लेकिन वो उसके एक्सक्लूसिव राइट्स किसी एक कंट्री के पास है, तो वो उस कंट्री का डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडियन ओशन में कोई फिशरमैन है तो वो इंडियन के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट ही कहलाएगा। और लास्ट है एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिटरी एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ ए कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। अगर इंडियन एम्बेसी बाहर है वॉशिंगटन में तो वो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में ही इंक्लूड होगा। अब आगे समझते हैं नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री कौन होता है। ए नॉर्मल रेसिडेंट इज सेड टू बी अ पर्सन और इंस्टीट्यूशन हु ऑर्डिनरीली रिसाइड्स और लोकेटेड इन अ कंट्री और हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन अ कंट्री। एक पर्सन या एक इंस्टीट्यूशन तब नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा जब वो या तो उस कंट्री में लोकेटेड है मतलब वहां पे रहता है, या फिर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में हो। इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब वो कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी उस कंट्री में करता हो। दस देयर आर टू कंडीशंस टू बिकम अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री। स्टे इन द कंट्री शुड बी मोर देन अ ईयर एंड इंटरेस्ट ऑफ स्टेइंग इन दैट कंट्री शुड बी इकोनॉमिक, मीन्स दैट पर्सन शुड कैरी सम इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब दो कंडीशंस है नॉर्मल रेसिडेंट बनने के लिए। पहली कंडीशन क्या है कि वो पर्सन एक साल से ज्यादा उस कंट्री में रहना चाहिए, या फिर उसका इंटरेस्ट इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना चाहिए, मतलब वो कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्ट लेना चाहिए। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टर्म नॉर्मल रेसिडेंट एंड सिटीजन। किसी पर्सन को नॉर्मल रेसिडेंट बोलना और किसी पर्सन को सिटीजन बोलना उसमें बहुत फर्क है। एक पर्सन सिटीजन तब हो सकता है जब वो या तो उस कंट्री में बोर्न हुआ हो, पैदा हुआ हो, या फिर दूसरे लीगल क्राइटेरियन हो। ए पर्सन बिकम्स अ सिटीजन ऑफ ए कंट्री बिकॉज ही वॉज बोर्न इन दैट कंट्री और बेसिस ऑफ सम अदर लीगल क्राइटेरियन। और रेसिडेंट कब होता है? ए पर्सन इज ट्रीटेड एज रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरियन। अगर वो इकोनॉमिक क्राइटेरियन फुलफिल कर रहा है तो वो रेसिडेंट है कंट्री का। अपने लिए रेसिडेंट होना इम्पोर्टेंट है। फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट। ये सब जो भी पढ़ेंगे अपन वो सब नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है। फर्स्ट क्या है? फॉरेनर विजिटर इन अ कंट्री फॉर सच पर्पसेस लाइक मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडी टूर, कॉन्फ्रेंस, स्पोर्ट्स इवेंट, बिजनेस एक्सेट्रा। मतलब ऐसे फॉरेनर्स जो कि कंट्री में विजिट कर रहे हैं फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट कराना है बाहर जा रहा है या बाहर से इंडिया आ रहा है, या फिर कोई स्टडी के पर्पज से इंडिया आ रहा है, या कोई स्पोर्ट इवेंट के लिए इंडिया आ रहा है, तो वो सब फॉरेनर्स अगर इंडिया में एक साल नहीं रहते तो वो नॉर्मल रेसिडेंट में इंक्लूड नहीं होना चाहिए। अगर एक साल रहते हैं तो फिर नॉर्मल रेसिडेंट कहला सकते। सेकेंड है क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल, एयरक्राफ्ट, कॉमर्शियल ट्रैवल एक्सेट्रा। अगर कोई फॉरेन वेसल इंडिया आई है तो उसके क्रू मेंबर्स जो होंगे वो सब नॉर्मल रेसिडेंट में नहीं आएंगे। थर्ड है स्टाफ ऑफ एम्बेसीज एंड मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस ऑफ ए फॉरेन कंट्री। जो एम्बेसीज है उनके स्टाफ्स वो भी नॉर्मल रेसिडेंट में नहीं आते। इंटरनेशनल बॉडीज लाइक वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और IMF आर नॉट कंसिडर्ड रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री इन विच ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट बट एज ट्रीटेड एज रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल टेरिटरी। मतलब जो WHO वगैरह जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंटरनेशनल बॉडीज है, वो सब जिस कंट्री में हो उस कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होंगे, वो सब रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल टेरिटरी होंगे। और लास्ट है फॉरेनर्स who are employed for non-resident enterprises and who have come to the country for purpose of installing machinery or equipment purchased from their employers. मतलब ऐसे foreigners जो country में आए हैं किसी special purpose के लिए, किसी कोई machine install करने के लिए आया है या कोई equipment वगैरह कुछ अगर foreign से खरीदा है तो उसको install करने के आया है, तो वो सब normal resident नहीं कहलाएंगे। Clear है? अब अपन ने domestic territory और normal resident पढ़ा, उसकी importance क्या है, वो क्यों जरूरी है, वो क्यों पढ़ा? द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी एंड नॉर्मल रेसिडेंट आर इम्पोर्टेंट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट। अपन ने जितना भी पढ़ा अभी वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन दोनों में डिफरेंस अगर समझ में आ गया तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन ईजीली हो जाएंगे।
The concept of domestic territory helps in estimate domestic product. अभी अपन ने domestic territory भरा, वो अपन को domestic product निकालने में help करेगा. Domestic product includes goods produced by production sector irrespective of the fact whether carried out by the resident or non-resident. Domestic product में क्या include होता है? जो भी production domestic territory में हुआ है, भले ही वो resident ने किया हो या non-resident ने किया हो, लेकिन अगर वो डोमेस्टिक टेरिटरी में हुआ है तो वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है. मॉनेटरी वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज नोन एज डोमेस्टिक इनकम. जो भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट की मॉनेटरी वैल्यू होगी वो डोमेस्टिक इनकम कहलाएगी. द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट हेल्प्स इन एस्टिमेट नेशनल प्रोडक्ट. जो नॉर्मल रेसिडेंट अपन ने पढ़ा वो सब नेशनल प्रोडक्ट एस्टिमेट करने में हेल्प करेगा. नेशनल प्रोडक्ट इंक्लूड्स गुड्स प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेसिडेंट इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर परफॉर्म विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी और आउटसाइड इट. नेशनल प्रोडक्ट में वो गुड्स इंक्लूड होते हैं जो नॉर्मल रेसिडेंट ने बनाए हो, भले ही वो डोमेस्टिक टेरिटरी में हुआ हो या इंटरनेशनल टेरिटरी में हुआ हो, लेकिन नॉर्मल रेसिडेंट ने किया होना चाहिए. द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ नेशनल प्रोडक्ट इज टर्म्ड एज नेशनल इनकम. जो मॉनेटरी वैल्यू नेशनल प्रोडक्ट की होगी उसको नेशनल इनकम बोलेंगे. क्लियर है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? ऐसे गुड्स की मॉनेटरी वैल्यू जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी में हुआ हो. और नेशनल प्रोडक्ट क्या है? ऐसे गुड्स की वैल्यू जो कि रेसिडेंट पर्सन ने बनाई हो. यहाँ तक क्लियर है? अब फैक्टर पेमेंट एंड ट्रांसफर पेमेंट देख लेते हैं. फैक्टर इनकम बोलो या फैक्टर पेमेंट बोलो एक ही बात है, वैसे ट्रांसफर इनकम और ट्रांसफर पेमेंट एक ही है. फैक्टर इनकम क्या है? इट इज इनकम रिसीव्ड इन रिटर्न ऑफ रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. मतलब अगर कोई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कोई फैक्टर सर्विस दी है, उसके रिटर्न में कुछ अगर इनकम हुई है तो वो फैक्टर इनकम है. और अगर पेमेंट के हिसाब से सोचे तो किसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने कोई फैक्टर सर्विस दी है तो उसको अगर अपन पेमेंट कर रहे हैं तो वो फैक्टर पेमेंट होगा. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने फैक्टर सर्विस दी है मतलब किसी ने लैंड दी है तो उसको रिटर्न में रेंट मिलेगी, या किसी ने लेबर दी है तो उसके उसके रिटर्न में उसको वेजेस मिलेगी, तो वो फैक्टर इनकम है. ट्रांसफर इनकम क्या है? इट इज द इनकम रिसीव विदाउट एनी गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइडेड इन रिटर्न. मतलब ऐसी इनकम जिसके बदले कोई भी गुड्स और सर्विस प्रोवाइड नहीं की हो. फॉर एग्जाम्पल गिफ्ट हो गया, डोनेशन हो गया, ये सब ऐसी इनकम से जिसके बदले अपन ने कोई भी गुड्स और सर्विस प्रोवाइड नहीं की है, अगर इसी का पेमेंट हो रहा तो वो ट्रांसफर पेमेंट कहलाएगा. इट इज अ अर्निंग कॉन्सेप्ट. ये अर्निंग कॉन्सेप्ट है. अर्निंग कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके बदले अपन को पैसा मिल रहा है तो वो अपन अर्न कर रहे हैं, इसलिए वो अर्निंग कॉन्सेप्ट है. और इट इज अ रिसिप्ट कॉन्सेप्ट. इसमें पैसा सिर्फ आया है, सिर्फ रिसीव हुआ है, अपन ने कुछ भी गुड्स और सर्विस नहीं दी, इसलिए वो रिसिप्ट कॉन्सेप्ट है. फैक्टर इनकम के एग्जांपल क्या है? रेंट हो गया, वेजेस, प्रॉफिट एक्सेट्रा. और ट्रांसफर इनकम के एग्जांपल क्या है? गिफ्ट, डोनेशन एक्सेट्रा. अब फैक्टर इनकम जो है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है. हमेशा याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फैक्टर पेमेंट्स जो है वो सब नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है, लेकिन जो ट्रांसफर इनकम है वो सब नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है. क्यों नहीं होती है? क्योंकि गुड्स और सर्विस प्रोवाइड नहीं हुई है, कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विस नहीं है. और फैक्टर इनकम इसलिए इंक्लूड होती है क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विस है, मतलब गुड्स और सर्विस फ्लो हो रहा है. समझ में आ गया? अब अपन ग्रोस और नेट इन्वेस्टमेंट पढ़ेंगे, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस पढ़ेंगे, और डोमेस्टिक और नेशनल इनकम पढ़ेंगे. थैंक यू.